तो और गाइस, अगर आप भी अपने GTA 5 City के लिए एक हाई ग्राफिक्स मॉड को ढूंढ रहे हो जो कि आपके लो एंड पीसी पर भी स्मूथली वर्क कर जाए, प्लस उसके जो ग्राफिक्स हो वो भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो, तो ऐसे में आप आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज के इस वीडियो पर मैं आपके 5 City के लिए एक ऐसा ही हाई ग्राफिक्स मॉड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक ग्राफिक्स मिलेगी। प्लस ये जो मॉड है ये आपके लो एंड पीसी के लिए ही बनाए, आपके पीसी में ये अच्छे से वर्क भी कर जाएगा। एंड साथ में इस ग्राफिक्स मॉड के अंदर आपको ढेर सारे न्यू फीचर्स भी आपको मिल जाएगा, एंड आपको जो पुराना Vice City गेम है उसको एक न्यू रिमास्टर्ड गेम में भी कन्वर्ट कर देगा। एंड वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड भी कर दूंगा कैसे आप इस ग्राफिक्स मॉड को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लस इसको कैसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपके साथ इस मॉड की जो कंप्लीट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पर आपको कोई भी पेंटियम या फिर डुअल कोर आपको प्रोसेसर चाहिए, एंड ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेसर होता है। एंड साथ में रैम चाहिए आपको जस्ट 4GB की, एंड आज के टाइम पे हर एक पीसी पे 4GB रैम तो मिनिमम होता ही है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की, तो यहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड की नीड नहीं रहती है। आपके पीसी पर अगर कोई भी इंटेल का HD ग्राफिक्स या फिर कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो उसके अंदर ये मॉड स्मूथली प्ले कर जाएगा। अब ये इस ग्राफिक्स मॉड का बिल्कुल मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, ये आपके पास होना चाहिए। एंड इसके साथ मैं आपको इस ग्राफिक्स मॉड के कुछ और मेन कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले ही मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको हाई ग्राफिक्स मिलेगी, प्लस ये लो एंड पीसी पर भी आपको वर्क कर जाएगा। बट इसमें कुछ एडिशनल और भी कुछ कई सारे फीचर्स है, लाइक जब इस ग्राफिक्स मॉड को आप अपने 5 City के अंदर इंस्टॉल करोगे तब आपके गेम के अंदर जो ऑल ओवर लुक है वो टोटली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एंड गेम के अंदर न्यू व्हीकल्स, साथ में टेक्सचर्स, वेजिटेशन एंड साथ में जो कैरेक्टर्स है एंड जो वेपन्स वगैरह उनको न्यू ऐड कर देती है। एंड ऐसे ही कई सारे आपको फीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड ये मॉड आपकी जो ओवरऑल पुरानी 5 City गेम है उसको एक न्यू रिमास्टर्ड गेम में भी कन्वर्ट कर देगा। एंड इसके साथ अभी मैं आपके साथ इस ग्राफिक्स मॉड की जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बट उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल तो ऑलराइट, इसके साथ यहाँ पर अभी हम आ चुके अपने पीसी के स्क्रीन के ऊपर। तो पहले तो मैं आपको इस ग्राफिक्स मॉड की जो इंस्टॉलेशन है वो मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर आपको बस एक ही ये जो फाइल है आपको डाउनलोड कर लेनी है, एंड इस फाइल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। फाइल को फट से डाउनलोड कर लो, एंड देन इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपनी 5 City की जो गेम डायरेक्टरी है वो आपको ओपन कर लेनी है। एंड मेक श्योर आपकी जो 5 City गेम है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उस पर पहले से एक भी जो है मॉड से वो इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। एंड देन आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप ये करना है, आपको अपनी 5 City गेम की जो है आपको एक बैकअप रेडी कर लेनी है। अब देखो, बैकअप रेडी करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको यहाँ से बैक आ जानी है। एंड यहाँ पर आपको जो 5 City गेम मिलेगा आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ से Ctrl+C प्रेस करना है, एंड देन इसको Ctrl+V प्रेस करके इसको यहीं पर भी पेस्ट भी कर देनी है। तो यहाँ से आपकी 5 City जो गेम है उसकी दो दो कॉपीज आपका बन जाएगा, एंड आपका गेम का जो बैकअप है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। एंड अभी हम इस पर जो है मॉड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से कोई भी एक फोल्डर को आप ओपन कर लो, एंड देन ग्राफिक्स मॉड को इंस्टॉल करने के लिए ग्राफिक्स मॉड की जो फाइल है उसको भी आप ओपन कर लो। एंड हाँ, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मॉड के अंदर आपको टोटल 3 आपको फोल्डर मिलेगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन फाइल्स है इसके अंदर आपको जाना है, एंड यहाँ पर जो भी फाइल है आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करके आपको इनको गेम डायरेक्टरी पर ड्रॉप कर देनी है, एंड देन रिप्लेस का ऑप्शन भी आ जाएगा तो कर देना। तो ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। एंड देन आपको सेकंड आना है यहाँ पर सेकंड व्हीकल इफेक्ट्स के फोल्डर के अंदर, एंड देन यहाँ पर आपको एक पार्टिकल्स एक नाम का एक फाइल मिलेगा, आपको सिंपली इसको ड्रैग करके गेम के अंदर आपको मॉडल्स नाम का एक फाइल मिलेगा, सिंपली इस फोल्डर के अंदर आपको इसको ड्रॉप कर देनी है। एंड हाँ, यहाँ पर भी आपको रिप्लेस करना है, एंड देन आपको यहाँ से बैक आके यहाँ पर आपको जो थर्ड फोल्डर है ENV प्रीसेट करके तो सिंपली इसके अंदर भी आपको चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको देखो ग्राफिक्स मोड के कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेगा, कई सारे प्रीसेट सेटिंग आपको मिलेगा। तो हर एक प्रीसेट के अंदर आपको जो है वो पिक्चर्स दी गई है जिसे आप देख पाओगे गेम के अंदर जो ग्राफिक्स है वो आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो प्रीसेट्स तो यहाँ पर कई सारे हैं, एंड हर एक प्रीसेट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के जो है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट वगैरह ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रीसेट आपको पसंद आए आप वो ध्यान से देख के आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, चूज कर लेना। एंड देन इसकी भी जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिंपल है, आपको बस प्रीसेट किस फोल्डर के अंदर आपके यहाँ पर दो फाइल मिलेगा ऊपर, आपको बस इनको सिलेक्ट करके इनको बस गेम की डायरेक्टरी पे आपको इनको भी ड्रॉप कर देनी है। एंड बस देखो, इतना सिंपल है इस ग्राफिक्स मॉड को इंस्टॉल करना। एंड यहाँ से आपकी ये जो ग्राफिक्स मॉड है इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आपका डन हो जाएगा। एंड अभी देखो, गेम को यहाँ पर प्ले करने के लिए आपको गेम के अंदर एक नया लॉन्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बस आपको इसको ओपन करके आप यहाँ से जो है गेम को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो।
वेल तो ऑल राइट, इसके साथ यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारा जो गेम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड नॉर्मली हमारा जो गेम जहाँ से स्टार्ट होता है उसी स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा गेम स्टार्ट हो चुकी है। एंड आप यहाँ पर गेम की जो ग्राफिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर ये एनहांस हो चुकी है। एंड ओवरऑल गेम की जो ग्राफिक्स है वो कितना ज़्यादा ब्राइटर एंड कितना ज़्यादा कलरफुल लग रही है एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऑसम भी दिख रही है। एंड ग्राफिक्स मोड के अंदर हमें न्यू लाइटिंग, न्यू इफेक्ट्स एंड साथ में मोशन ब्लर इफेक्ट्स एंड साथ में आप जो क्लाउड्स है गेम के अंदर उनको भी आप देख सकते हो। नाइट के टाइम पर भी ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक दिख रही है। एंड बाकी आप इंस्टॉलेशन के टाइम में जो भी प्रीसेट आप चूज़ करोगे आपको ग्राफिक्स वैसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गेम में अभी और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स एंड कंटेंट वगैरह आपके गेम के अंदर ऐड भी हो चुका है। एंड मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप डेफिनेटली इस ग्राफिक्स मोड को अपने गेम के अंदर भी इंस्टॉल करो। एंड आप देख सकते हो कितना स्मूथली ये ग्राफिक्स मोड अपने गेम के अंदर प्ले भी कर रही है। एंड इसके साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Nice bike. Might be resting my hand in your lap. Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos.